मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, मित्रों इस प्रोग्राम के तहत हम बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लीगल जानकारी आपके लिए आप तक लेके पहुंचते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम वो उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाते हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए, नागरिकों के हितों के लिए समय समय पर नई नई योजनाएँ लेके आती है और उनको लागू करती है। तो उनका उन योजनाओं का लाभ तभी पहुंच पाएगा जबकि हमारे सभी लोगों को उस योजना के बारे में जानकारी हो। तो इसी श्रृंखला में मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इस वर्ष एक नया कार्ड इशू किया है। वो कार्ड कौन सा है? कार्ड है सीनियर सिटीजन कार्ड। तो सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, किन लोगों को ये मिल सकता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप शांति से इंटरेस्ट लेकर पूरा वीडियो एक ही बार में देखें तो ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम इसको आगे चलते हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन कार्ड है इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, किसको ये कार्ड मिल सकता है। तो मित्रों सबसे बड़ी बात ये कि सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं। सीनियर सिटीजन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु, जिसकी एज 60 साल पूरी हो गई हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसकी एक ही कंडीशन है वो सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन का मतलब 60 वर्ष की आयु का हो या उससे अधिक आयु का हो, उससे कम ना हो। और दूसरा, भारत के, पूरे भारत देश के किसी भी स्थान का रहने वाला हो। तो ये दो कंडीशन हो गई। NRI जो हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी राज्य में का निवासी हो और उसकी आयु 60 साल हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो ये कार्ड जो ये आया है सीनियर सिटीजन कार्ड, ये बता दिया कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये है कि एक ये जो कार्ड बनाया सीनियर सिटीजन कार्ड, इसको हम एक तरह से ये भी माने कि सीनियर सिटीजन ID कार्ड भी है। तो ID कार्ड क्या है कि जगह जगह पर इस जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या कोई भी जगह पर जाइए तो वो कहते हैं कि आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसको प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने के लिए तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। उन सब से भी बचा जा सकता है अगर उसके पास ये वाला सीनियर सिटीजन कार्ड है। क्यों इसको हमने सीनियर सिटीजन ID कार्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ कार्ड है। इसमें नाम है, पिता का नाम है, जेंडर, लिंग कौन सा है, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आयु एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पता एड्रेस जो इसमें मेंशन है, मोबाइल नंबर क्या है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, इतनी डिटेल इसकी इसमें इंफॉर्मेशन कार्ड में होंगी। तो किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए या कोई कहीं पर भी रिक्वायरमेंट हो कि ये प्रूफ करना हो कि सीनियर सिटीजन हैं आप, तो एक कार्ड से ही ये सब कुछ प्रूफ हो सकता है। अलग अलग डॉक्यूमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भी ये वाला कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड हो गया है। तो अब इसको ये कहते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ किया जाएगा और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले इसके फ़ायदे ले लेते हैं कि इस कार्ड के धारक को, जो इसके जिसके पास ये कार्ड होगा उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले ये आ जाता है कि इस कार्ड के जो, उसको हमने कई कैटेगरी में बांट दिया, जैसे यात्रा संबंधी लाभ, ट्रैवल बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो इसमें है, इसमें जो भारत सरकार है अपने वरिष्ठ नागरिकों को समय समय पर कुछ छूट देती है टिकट में, जो आजकल हालांकि छूट बंद चल रही है लेकिन बीच बीच में चालू हो जाती है। तो वो जो भी छूट होगी उसके लिए यही वाला कार्ड काम करेगा। और दूसरा कि अगर कोई टिकट कराने जाते हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको अलग से एक काउंटर इनके लिए होगा, उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनकी लाइन अलग से होगी। तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये इस कार्ड से पूरी होगी और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। हवाई यात्रा में छूट,
हवाई बहुत सारी जो हमारी हवाई यात्राएं कराने वाली जो कंपनियां हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल टाइम टाइम पर छूट देती हैं, उन सब के लिए भी ये सीनियर सिटीजन कार्ड काम करेगा। वित्त संबंधी फाइनेंस संबंधी जो फायदे हैं वो क्या हैं, इनकम टैक्स में छूट का प्राविधान है सीनियर सिटीजन्स के लिए। बैंक में जो FD बनाई जाती है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो नॉर्मल है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा होता है उसके लिए ये कार्ड काम करेगा। पोस्ट ऑफिस में अपनी स्कीम जो भी है गवर्नमेंट की स्कीम पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उन सभी में एक्स्ट्रा ब्याज की व्यवस्था की गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन सब के लिए ये कार्ड काम करेगा। बैंक में डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने और एक्स्ट्रा ब्याज की भी व्यवस्था इसमें की गई है। इस तरह से फाइनेंस वित्तीय क्षेत्र में भी इस कार्ड से काफ़ी फायदे होंगे। अब आता है स्वास्थ्य संबंधी क्या फ़ायदे हैं, हेल्थ संबंधी बेनिफिट्स क्या हैं। तो जिस जो इस कार्ड को रखेगा, जिसका जो जिसके पास ये कार्ड होगा सीनियर सिटीजन, उसको सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से फ्री इलाज उसका होगा, और अगर वो इलाज अपना प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं तो इस कार्ड के धारक को, इस कार्ड के जिसके पास है उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसके इलाज में जो भी खर्चा आएगा तो उसको डिस्काउंट ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा है। इसके अलावा अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स का कोई केस चल रहा है न्यायालयों में तो उसमें तारीख भी देने के संबंध में उनके लिए प्रायोरिटी दी जाती है, ये इसका भी व्यवस्था होगी। MTNL में 25% तक का इसमें डिस्काउंट देने की व्यवस्था की हुई है, वो भी इसका लाभ इसी कार्ड के माध्यम से मिलेगा। तो मित्रों बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये कार्ड आ गया है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड, और इसको बनवाने की भी जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको भरेंगे जब फॉर्म आवेदन करेंगे तो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा। जैसे हमको पहले प्रूफ करना होगा कि एज कितनी है, क्योंकि मेन तो एज पे ही डिपेंड करता है, और एज कितनी है, एज है 60 ईयर। तो कैसे पता चलेगा, तरह तरह के नागरिक हमारे यहाँ हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा वाले हैं तो बेचारे कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, तो उन सब के लिए अप्लाई करना होगा। तो कैसे उसमें एज का प्रूफ किया जाएगा, तो एज प्रूफ तो एक तरह से है, मैं ये 6 आइटम बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी अगर एक है तो वो एज प्रूफ के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब वो क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट, नंबर 3 इलेक्शन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 4 पासपोर्ट, नंबर 5 पैन कार्ड, और नंबर 6 डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर इसको सर्टिफाई कर देता है कि इस व्यक्ति की एज इतनी 60 ईयर्स है तो वो सर्टिफिकेट भी माना जाएगा। तो इन 6 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ करने के लिए कि इनकी एज 60 पूरी हो गई है और ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गया एक वाइज। अब दूसरा नाम का प्रूफ, नाम वही कार्ड पे के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उसमें वही नाम होना चाहिए जो इन डॉक्यूमेंट्स में से उसके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। अब आता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, तो एड्रेस, एड्रेस भी वही होना चाहिए जो इन डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट है जो कि आज की तारीख में भी वैलिड है, उस पर जो एड्रेस है वही एड्रेस उसका होना चाहिए, वोटर कार्ड या राशन कार्ड जहाँ से वो राशन उनको मिलता है, तो जो एड्रेस वहाँ पर है वही एड्रेस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप की जानकारी के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है। इसके अलावा 3 फ़ोटो होने चाहिए कि साहब इसमें 3 फ़ोटो हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई जिस जगह जिस राज्य का वो नागरिक है, मतलब जिस राज्य में वो स्थायी रूप से रहता है, उस राज्य की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा कर के इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, और अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर वो कार्ड बकायदा उनको मिल जाएगा। तो जब मित्रों ये जो कार्ड आएगा सीनियर सिटीजन का, ये एक इतना इम्पोर्टेंट कार्ड हो गया कि इस कार्ड के रहने के बाद कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसी यही कार्ड तो गवर्नमेंट ने अप्लाई की इशू किया, और गवर्नमेंट का इशू किया हुआ जिसमें फ़ोटो भी लगा हुआ है और सारा डाटा है, तो अब इसके बाद ना तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ना किसी और कार्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है,
केवल अगर उनके पास ये वाला सर्टिफिकेट है तो इससे उनको गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ पे उनको और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ भी ये सर्टिफिकेट काम करेगा। इसके लिए अप्लाई मैंने बता दिया, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अप्लाई कर लें, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, और 15 दिन के अंदर वो कार्ड मिल जाएगा। तो मित्रों, आज का जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने इशू किया है सीनियर सिटीजन कार्ड, इसकी जानकारी मैंने तो आपको दे दी। अब आप भी अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को समाज में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताएं, और जिससे कि इस योजना का लाभ उन तक पहुंच सके। नमस्कार।